हेलो, नमस्कार। मैं मृदुला सक्सेना आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, और मैं जिस तरीके से बनाऊंगी आप उस तरीके से बनाइए। ये काफ़ी दिनों तक सुरक्षित और बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, हमने गाजर ले ली है, इसको हम छील लेंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें यदि मिट्टी रह जाएगी तो ये पूरा हलवा हमारा बेकार हो जाएगा। इस तरह से हम ये गाजर को छील लेंगे। ये इससे इसमें इससे जो मिट्टी ऊपरी सतह पे होगी वो निकल जाएगी, नहीं तो अगर ज़रा सा भी किसकिसापन आ गया तो पूरा हलवा हमारा बेकार हो जाएगा। इस तरीके से हम सारी गाजर को छील लेते हैं। फिर इस तरीके से हम इससे ग्रेट कर लेंगे ऐसे। देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये किसी हुई गाजर है 1 किलो, ये 400 ग्राम शक्कर है, और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के लिए हुए हैं। ये छोटी इलायची का पाउडर है, और ये नारियल का पाउडर है। अब हम इसमें कढ़ाई को मैंने रख दिया है आग पे। इसमें हम ये सारा पिसा हुआ गाजर, ग्रेटेड गाजर को डाल देंगे। आज को हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे। इसमें मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। आप देखिए, बिल्कुल कोई चिकनाई वगैरह कुछ नहीं डाली है इसमें। फिर भूनेंगे इस तरीके से, और खुले में ही पकाएंगे। ये मेरी कढ़ाई मिट्टी की है, कहते हैं ना मिट्टी की कढ़ाई में बहुत टेस्टी बनता है भोजन। तो ये बलिया से मेरी एक फ्रेंड है अर्चना श्रीवास्तव, उन्होंने लाके मुझे दी थी। इसमें मैं हर चीज बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। अब देख रहे हैं ना आप इसका कलर कैसा, कितना खूबसूरत हो गया है। कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, और कितना अच्छा कलर आया है। वही आप इसको ढक के बनाएंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसने अपना सारा पानी गाजर ने छोड़ दिया है, ये देखिए। इसमें हम ऐसे करते करते ये पूरी चीनी इसके अंदर डाल दूंगी मैं, ऐसे दो दो चम्मच करते हुए। जब तक ये बन के तैयार होगा तब तक ये सारी चीनी इसके अंदर डाल देंगे। है ना अच्छा सा कलर। आपको पता है अगर हमारे शरीर में एसिड अगर ज़्यादा बढ़ जाए ना, एसिडिटी, तो गाजर उसका बहुत अच्छा वो है। इसको खाने से, ये क्षारीय है, इसको खाने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में एसिड को कम करती हैं, मालूम है आपको। उनमें से एक गाजर भी है। देखिए कितना ऐसा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर हमने केसर डाला हो। देखिए कितना अच्छा, कोई कलर डालने की जरूरत नहीं है, आपका ऐसा बढ़िया कलर आएगा अगर आप ऐसे खुले में बनाते हैं तो।
देखिए इस तरीके से करते करते हम ये पूरी शक्कर इसमें डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया, देख रहे हैं आप। देखिए इसमें अब हम एक टेबल स्पून भर के छोटी इलायची का पाउडर डाल दूंगी, इससे इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। देखिए पूरा तैयार हो गया अब हमारा, ये इसका पूरा पानी सूख गया है। थोड़ी देर अभी इसको और भूनेंगे, मैं दोनों तरह से बताऊंगी आपको, खोया डाल के भी जब आप सर्व करें तो उसमें थोड़ा सा खोया ऐड कर दें, और अगर आप ऐसे ही, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये तैयार हो गया, अब हम इसको आपको निकाल के बताते हैं। कुछ तो हमने ऐसे ही निकाल लिया है, और इसको कुछ में मैं ये मावा डालूंगी, आपको दोनों तरह से मैं बताती हूँ। ये करीब 100 ग्राम मावा है। देखिए फ्रेंड्स तैयार है मावे वाला और बिगर मावे का, देखिए तैयार है। आइए इसका साथ चखिए, ये बहुत अच्छा, और ये काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। इसमें मावा डला हुआ है और ड्राई फ्रूट्स मैंने दोनों में डाले हुए हैं, तो ये आप सर्व करते समय डालिए और ये आपका काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद आप सभी को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।